hello everyone welcome to the class of ugc net paper 2 and today we are going to start the preparation of the subject commerce with the unit 2 next topic the next topic is ratio analysis and in this we are going to cover just half part half of the next part we are going to cover in next session so i hope you are going to understand this session very carefully

टू एनालाइज द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है फिनेशियल स्टेटमेंट होती है लाइक देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट उन सब स्टेटमेंट्स को जब एक एनालाइज एग्जामिन किया जाता है दिस इज नॉन एज रेशियो एनालिसिस यू नो रेशियो एनालिसिस में क्या होता है देयर इज एनालिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर वर्ट टू नो द प्रोफिटेबिलिटी आप प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हो एंड ऑल्सो रेशियो एनालिसिस इज यूज टू एग्जामिन द पोजिशन ऑफ द बिजनेस ओके इन द मार्केट एग्जामिन द पोजिशन ऑफ द बिजनेस पोजिशन किस तरीके की फिनेंशियल पोजिशन सो थ्रू रेशियो एनालिसिस एनी मैनेजर और एनी पर्सन कैन स्टडी एंड एनालाइज वेयर देयर बिजनेस स्टैंड इन द मार्केट मार्केट में आपका बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करता है कितनी प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट फिनेंशियल पोजीशन उस बिजनेस की क्या है ये होता है रेशियो एनालिसिस नाउ दिस रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स अलग अलग आपके फैक्टर्स होते हैं इन दिस रेशो एनालिसिस यू स्टडी दो रिलेशनशिप ऑफ अ बिजनेस बिजनेस के आप फिनेंशियल फैक्टर्स को जस्ट चेक करते हो एंड दिस इज थ्रू रेशो एनालिसिस अब रेशो एनालिसिस क्या होता है इन रेशो एनालिसिस यू हैव वेरियस काइंड्स ऑफ रेशोज एंड दोज रेशोज आर नॉन एज अकाउंटिंग रेशोज राइट स्टूडेंट्स सो दिस अकाउंटिंग रेशोज आर क्लासिफाइड इन फोर कैटेगरीज आप इनको फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हो और उसके थ्रू आप रेशो एनालाइज करते हो these four categories are in your syllabus also and in this session we are just going to cover two categories aaj set of two categories karenge and the next two in the next session okay so stay tuned and keep your studies continue don't skip any one. so the very first is your liquidity ratio liquidity ratios as you can see liquidity आप, ratio analysis and this in ratio we have different kind of accounting ratios

करंट एसेट्स करंट ऑब्लिगेशंस जो होती हैं आउट ऑफ करंट रिसोर्सेज आपके पास जो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ है उनको सिर्फ यूज करके जब आप ये फाइंड आउट करते हो कि क्या आपकी फर्म जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे कर सकती है दैट इज़ थ्रू लिक्विडिटी रेशो राइट नाउ द दीज लिक्विडिटी रेशोज आर ऑफ टू टाइप्स द वेरी फर्स्ट गिवन टू यू इज करंट रेशो करंट रेशो या फिर हम इसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स विद मी यू हैव टू रिमेंबर ईच रेशो ओके सो करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो क्या होती है इट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज आप टोटल करोगे करंट एसेट्स का जो भी आपके बिजनेस के करंट एसेट्स हैं उनको सबको समराइज करके लिखोगे एंड देन यू हैव टू डिवाइड देम बाय एडिंग ऑल द करंट लाइबिलिटीज जो भी आपकी रेशो आएगी सपोज आपके करंट एसेट्स हैं वन लाख एंड योर करंट लाइबिलिटीज आर फिफ्टी थाउजेंड तो आपकी रेशो क्या हुई टू इज टू वन दैट इज टू रेशो वन मीन्स यू हैव डबल द एसेट्स रिगार्डिंग योर लाइबिलिटीज एंड द फर्म विच हैव वन इज टू वन इज द लाइक स्टेबल बिजनेस एंड इफ यू हैव मोर एसेट्स यू आर इन द पोजिशन ऑफ ग्रोइंग

वट दिस टेल्स अबाउट इट टेल्स अबाउट द लिक्विड एसेट्स ओनली दिक्विडीज ऑल द करंट लाइबिलिटीज एंड जस्ट दर एडेड एंडो इज फाइंड आउट डन मूविंग टू द नेक्स्ट वन वी है इस सेशन में हम सिर्फ दो तरीके की रेशोज को स्टडी करेंगे एक हमारी लिक्विडिटी रेशो वी है दन, जब वो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर पाने में सक्षम हो पे कर सकती है कभी भी कोई भी लाइबिलिटी या डेट अराइज हो गया तो उस डेट को वो लंबा नहीं खींचेगी तुरंत की तुरंत पे कर पाए वो होती है सोल्वेंसी रेशो तो इस रेशो में क्या बोला गया इट इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी फर्म की एबिलिटी ऑफ वर्ट टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को जब वो पे करे एट द टाइम ऑफ वट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जब आपके डेट मेच्योर हो जाए सपोज कीजिए आपने कोई लोन लिया है एंड इट इज फॉर फाइव इंस तो पांच साल बाद जब आपको उसका पे करने का टाइम आए तो क्या आपकी फर्म उस पोजिशन में है कि वो उसको पे कर देगी वो पे कर पाने की जब पोजिशन में होगी तो उसको बोलेंगे कि येस फर्म इज एबल इट इज सोलवेंट अगर वो पे कर पाने के पोजिशन uh, में नहीं है सक्षम नहीं है देन इट्स फॉर्म इज इंसॉल्वेंट फॉर्म टोटली इनसॉल्वेंट है और वो अपने डेट्स को पूरा नहीं कर पा रही आइडिया मिल गया नाउ दी सोल्वेंसी रेशोज आर इन टोटल ऑफ फोर टाइप्स एज यू कैन सी हेयर सो द वेरी फर्स्ट इज डेट टू इक्विटी रेशो डेट टू इक्विटी रेशो सिग्निफाइज लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स जितने भी आपने लोन लिए हैं लॉन्ग टर्म के लिए आर डिवाइडेड विद द शेयर होल्डर्स फंड और नेटवर्थ शेयर होल्डर्स फंड आपके बिजनेस का शेयर होल्डर टोटल कितना फंड है उसको आप उससे डिवाइड करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा वट योर इक्विटी रेशो टेल्स अबाउट अनदर थिंग इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशो टू है जो भी चीज टू होगी दैट इज विल बीन डिवाइड

प्रोपराइटर होता है बच्चे बिजनेसमैन ओनर जो उस फर्म के शेयर होल्डर्स हैं ओनर हैं तो ओनर्स फंड और यू कैन से प्रोपराइटरी फंड इज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स यू टेल इट इट प्रोप्राइटरी रेशो मीन्स प्रोपराइटर के पास कितना फंड है एज कंपेयर टू द फर्म द लास्ट वन इन दिस कवरेज रेशियो इंटरेस्ट कवरेज नेम से ही सजेस्ट है कि आप इंटरेस्ट कवर कर पाने में कितने सॉल्वेंट होंगे लोन तो आप पे कर दोगे क्या आप उसका इंटरेस्ट भी पे कर पाओगे तो दिस दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मीन इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो आपका नेट प्रॉफिट है सपोज कीजिए आपका पूरा टोटल प्रॉफिट आया है ट्वेल्व लैख पर ईयर तो ट्वेल्व लैख इज दिस प्लस इंटरेस्ट और टैक्स आप बाद में इसमें से डिडक्ट करोगे अभी बिफोर इंटरेस्ट बिना टैक्स दिए बिना इंटरेस्ट दिए आपका बारह लाख है एंड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस आपके जितने भी फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हैं सपोज कीजिए आपके टोटल इंटरेस्ट चार्जेस बनते हैं थ्री लाख तो एक तरीके से प्रॉफिट तो आपका थ्री लाख पे सॉरी थ्री लाख पे कर पाने के बाद नाइन लाख ही बचेगा ना तो ट्वेल्व लाख विल बी डिवाइडेड विद थ्री लाख Right, so this is your interest coverage ratio. These are the various parts of solvency ratio and liquidity ratio. I hope you enjoyed this session and gained a lot of information regarding ratio analysis. Keep your studies, continue. Net exam is very near to you and start preparation. Till then, have a good day. Thank you.